टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। भारत को सबसे ज्यादा मैच जिताने के मामले में हिटमैन ने एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया। आयरलैंड की हार के साथ ही रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में भारत को सबसे अधिक मैच जिताने वाले कप्तान बन गए हैं। 55 मैचों में रोहित की कप्तानी में भारत ने 42वीं जीत दर्ज की। 42 जीत के अलावा हिटमैन की कप्तानी में टीम इंडिया को 12 मैच गंवाने पड़े, जबकि एक मैच टाई रहा। 72 टी20 मैचों में भारत के लिए 41 मैच जीतने वाले एमएस धोनी दूसरे नंबर पर फिसल गए हैं। धोनी की कप्तानी में भारत को 28 मुकाबलों में हार मिली, तो वहीं एक मैच टाई और 2 मैच रद्द हुए। टीम इंडिया के तीसरे सबसे सफल कप्तान विराट कोहली हैं। कोहली ने 50 टी20 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। 50 में से भारत ने 30 मैच जीते और 16 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, 2-2 मैच टाई और रद्द हुए। भारत को सर्वाधिक टी20 मैच जिताने के मामले में हार्दिक पांड्या चौथे नंबर पर हैं। टीम इंडिया ने हार्दिक की कप्तानी में 16 में से 10 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 5 मैचों में हार झेलनी पड़ी और एक मुकाबला टाई रहा। 7 मैचों में 5 जीत के साथ इस लिस्ट में सूर्य कुमार यादव 5वें पायदान पर रहे, बाकी 2 मैचों में उनको हार मिली। सुरेश रैना की अगुवाई में भारतीय टीम का सक्सेस रेट 100% रहा है। रैना की कप्तानी में भारतीय टीम ने 3 मैच खेले और 3 में जीत दर्ज की। जसप्रीत बुमराह को 2 टी20 मैच में टीम इंडिया की कप्तानी का मौका मिला और दोनों मैचों में उन्होंने जीत दिलाई। ऋतुराज गायकवाड़ और ऋषभ पंत ने भी भारत को 2-2 मैच जिताए, जबकि शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल और वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में भारत ने 1-1 टी20 मैच जीता।